বিজেপির বিদায়ী সাংসদ আলুওয়ালিয়ার প্রশংসা করলেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ, কিন্তু চুল্লুভার পানি নিয়ে ডুব মার জানা চাইয়ে বললেন দিলীপ ঘোষকে, বললেন কীর্তি আজাদ এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন, তা না হলে এক মিনিট সময় লাগবে সব শান্ত করতে। বুধবার সকাল 9:30 নাগাদ পানাগড় নির্বাচনী প্রচারে এসে দিলীপ ঘোষের উদ্দেশ্যে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিলেন বর্তমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদ। তিনি বলেন, যেভাবে বর্ধমানে তৃণমূল কর্মীকে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কাজ করলে দিলীপ ঘোষ এবং তার দলবলকে শান্ত করতে তার এক মিনিট সময় লাগবে। কারণ এক সময় তিনি ক্রিকেট খেলা খেললেও রাজনীতি খেলাটা তার বহু পুরনো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপরিচয় দিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের প্রতিবাদ নিয়ে তিনি বলেন, যে মা বনদের সম্মান করে না, মা দুর্গাকে তার পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, যে মানুষ মা বনদের সম্মান করে না সেই সমস্ত মানুষদের চুল্লুভর পানি মেয়ে ডুব মার জানা চাইয়ে। দুর্গাপুর এবং বর্ধমানের মানুষ দিলীপ ঘোষকে এমনভাবে উড়িয়ে দেবে যে আর কোনোদিনও এই এলাকায় এসে নিজের মুখ দেখাতে পারবেন না তিনি, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবে রাজ্যের মানুষ। তাই ভালোভাবে এলাকায় থাকুন এবং প্রচার করুন। এদিন সকালে তিনি পানাগড় বাজারের গুরুদোয়ার এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও পানাগড় বাজারের শ্মশানকালী মন্দিরে পুজো দিয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রচার শুরু করেন তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদ। পাশাপাশি এদিন গুরুদোয়ারে পাঞ্জাবি ভাষায় বক্তব্য রেখে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের মন জয় করেন কীর্তি আজাদ। মেম্বার পার্টি অফিস বলা বলে সোনেহা। ধন্যবাদ প্রধান মহাশয়। মানে দিবস আমাদের ক্ষেত্রকে আমাদের লোকসভা চুনাবকে প্রাণ
हम सभी की कामना है कि गुरु की कृपा उन पर बनी रहे। आज उन्होंने वाहेगुरु जी का आशीर्वाद देकर अरदास के समय यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा संकेत है और हमारे लिए गर्व की बात है कि श्रीमान कीर्ति आजाद महाशय सभी भाषाओं के ऊपर आज हिंदी भाषी क्षेत्र में उनका आगमन हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे लोकसभा गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मैनू पता सीगा कि इतने बहुत ही पुराना प्रसिद्ध साडा गुरद्वारा हैगा। मैं दिल्ली च रहा, मेरे ते गुरमुखा का सिखा का बहुत प्रभाव रहा बचपन तो। मैं जो 9 साल का सी क्रिकेट सीखना शुरू किया सीगा तो मेरे जेडे गुरु सी सरदार गुरचरण सिंह जी उन्होंने मैनू शिक्षा दीक्षा दी। मैं सारी क्रिकेट जेडी जिंदगी खेली वर्ल्ड कप जितया मैं वो गुरु के चरणों च मैं उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिता है। उसके बाद जदों मैं दिल्ली स्टेट के लिए खेला तो साढ़े गुरमुख इंडिया के महान क्रिकेटर सरदार बिशन सिंह जी बेदी उन्होंने हुण तो इंतकाल हो गया है उन्होंने कप्तानी च देखिया। मैं जदों बोकारो स्टील ज्वाइन किया तो उठे सरदार आर एस भाटिया जी मेरे बॉस सीगे। मैं अमृतसर जदों जांदा सी ते फिर हरिमंदर साहब के अमृत चखिया गुरुद्वारा शीशगंज ते सिखा की सबसे बड़ी जिन्हों कहते त्याग की भूमि हैगी है। जे बच्चे अपने अर्पण कर देते गुरुद्वारा शीशगंज छोटा सीगा जदों मैं अपने प्यो पिता जी नाल दिल्ली आए सी ते उत्थे ही गुरुद्वारा रकाबगंज है ते गुरुद्वारा बंगला साहब है। पहली बार कार सेवा मैं उत्थे गुरुद्वारा रकाबगंज ते कीती सी। गुरु गोबिंद सिंह जी दे जन्म स्थली कहता मैं बंदा उत्थे ही दा रहने वाला। साडे सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी उत्थे 500 साल जिहड़े पूरे होए सी 2-3 साल होए ने 500 साल जिहड़े होए सीगे ते मैं उत्थे जाके कर सेवा भी की। इस करके मैं हरदम मैं अगर जिंदगी आज कुछ नाम कमाया शोहरत कमाई तो मेरे गुरु सरदार गुरचरण सिंह जी के कारण कमाई और उन्होंने मैं सिखाया कि किंज जय गुरु गोबिंद सिंह जी की किस तरीका से उन्होंने किया। बचपन से मैं उन्होंने बड़ी कहानियां सुनिया है तो मैं बहुत चंगा लग्या। मैं जितने आया मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता थोड़ा धन्यवादी हाँ कि तुम मैं आज इतने बुलाया सत्कार किया। मैं सच में गुरु जी का पूरा उनकी सेवा में इतने आया अयो कह सकता इन्हों की मेहर बनी रहे इस तो आगे और मैं की कह सकता। वाहेगुरु जी का खालसा जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ धन्यवाद। হিন্দি মে বলছি এতদিন তো আপনি ক্রিকেট খেলেছেন অনেক ভালো জায়গায় পজিশনে ছিলেন এবং জিতেছেন অনেক খেলাতে এই খেলাটা কি এবারে কি কঠিন মনে হচ্ছে? ওকে এই খেলা মে ভি বহুত লম্বা আরসা হো গয়া হামকো হামারে পিতাজি মুখ্যমন্ত্রী থে উনকে সাথ মে ভি চুনাও লড়তে থে হাম খুদ 3 বার এমপি রহে 1 বার এমএলএ রহে হামনে বহুত দেখা হ্যায় চুনাও তো চুনাও দেখতে হুয়ে অভি জিস তরিকে সে ইয়ে হামারে বিরোধী লোক আয়ে হ্যায় ইয়ে আতঙ্কবাদ ইনহোনে ফেলানা শুরু কিয়া হ্যায় ইয়ে সমঝ জায়ে কি হাম হিংসা মে বিশ্বাস নাহি করতে হ্যায় हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कल हमारे एक कार्यकर्ता को अर्णव सेन को वर्धमान उत्तर में उसका सिर भांग दिया 3 स्टिच लगा है ये ना समझें कि ये बहुत बड़े बदमाश हैं यहाँ के। इनकी बदमाशी 1 मिनट में दिलीप घोष और इनकी टीम की ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा यही रहेगा कि प्रेम से रहें अच्छे से रहें सौहार्द में रहें बढ़िया से रहें और आगे अपना चुनाव लड़ें जिस तरीके से लड़ना चाहते हैं। कल तो दिलीप घोष ने कहा था मातृशक्ति सीएम के पिताजी के नाम पे भी ये इनकी मानसिकता है ये बेहुदापन है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता जो बहन की इज्जत नहीं करता जो बेटी की इज्जत नहीं करता जो ये कहता है कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है नहीं मालूम जो देवी माँ का
इस तरीके से बदनाम दिलीप घोष जैसा आदमी करता है, वह दीदी के बारे में बोलता है कि क्या है, ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को लोग कैसे सहता है ये समझ में नहीं आता। सावधान रहे, यहाँ पर सावधान रहे, कोई हम हाथ बांध करके नहीं खड़े हैं। दिलीप घोष, तमीज से रहो, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, जैसे समाज में लोग रहते हैं। ये बदतमीजी तुम्हारे यहाँ पर नहीं चलेगी। दुर्गापुर बर्धमान के लोग तुमको यहाँ से ऐसा उड़ाएंगे कि वापस दोबारा तुम इस यहाँ का शक्ल नहीं दिखा पाओगे, पूरे बंगाल से हटा दिए जाओगे। पिछला जो एमपी था तो इतना मार्जिन में जीता, इस पर क्या? देखिए, आलूवालिया जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, और उनको नहीं टिकट मिला, उनका दुर्भाग्य है, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उनसे मेरा संबंध अच्छा रहा है और हम उनकी इज्जत करते हैं। कांगसा के वोटर को क्या कहेंगे? कांगसा के वोटर को कहेंगे कि आप लोग जिस प्रकार से दीदी की अलग अलग योजनाएं हैं, केंद्र सरकार जो हमारे साथ अन्याय कर रही है, जो पैसा हमारा आना चाहिए बंगाल का हिस्से का हमारा, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये भी पूछेंगे जब आए दिलीप घोष कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी से लड़ाई क्यों नहीं की, जो बंगाल का हक पैसे का है वो क्यों नहीं लेके आए। ये भी बताए दिलीप घोष कि जो पैसा हमारा बकाया बंगाल का है, क्या बंगाल उनके लिए परदेसी है? क्या बंगाल का लोग परदेसी है दिलीप घोष के लिए? वो बताए कि उसने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, पैसा क्यों नहीं लेकर के आया, जो हमारा 1,60,000 करोड़ रुपया बकाया है, उसके बारे में बात नहीं करेगा। यहाँ आकर के मारपीट करेगा, बदमाशी करेगा, ये बदमाशी उसकी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये ध्यान रखें इस चीज़ का, उसकी बदमाशी एक मिनट में बंद कर देंगे।